ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन नाम से क्लियर होगा और सभी को पता होगा ग्लोबलाइजेशन मीन्स जब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हर जगह अवेलेबल हो मौजूद रहे तो उसको हम क्या कहते हैं ग्लोबलाइज होना हर जगह आपके बारे में पता हो तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस मीन्स डूइंग बिजनेस इन मल्टीपल कंट्रीज यानी कि जब आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं या कह लें कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम आपको कहते हैं ग्लोबलाइज्ड ओके ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइंग इंट्रैक्शन इंटीग्रेशन अमंग द पीपल कंपनीज़ एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट नेशन बाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जब अलग अलग नेशंस के जो इंट्रैक्शन बढ़ता है अलग अलग नेशन में इंटीग्रेशन बढ़ता है पीपल कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के थ्रू दूसरी को हम क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है ग्लोबलाइजेशन का तो इंक्रीज इन ट्रेड अगर आप ग्लोबलाइजेशन होगा यानी कि एक कंपनी बहुत सारी कंट्रीज़ में बिजनेस परफॉर्म कर सकती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड यानी व्यापार में बढ़ावा होगा ग्रेटर चॉइस होगा कस्टमर के पास आ, क्यों क्योंकि ट्रेड में बढ़ा होगा हर जगह की चीज़ें हर जगह एवलेबल होंगी ग्रेटर कंपटीशन और कंपटीशन ज़्यादा होगा लोकल बिजनेस होंगे इंटरनेशनल बिजनेस होंगे एम होंगी तो ऑब्स सी बात है कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जिसकी वजह से कस्टमर को लोअर प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा इंक्रीज़ कैपिटल एंड लेबर मोबिलिटी कैपिटल इंक्रीज़ होगा और मोबिलिटी लेबर यानी कि लेबर की जो मोबिलिटी मूवमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगी इकोनॉमिक स्केल अचीव होगा यानी कि जो मैक्सिमम हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी होगी टैक्स अवॉइडेंस बहुत सारे टाइप के टैक्स होंगे जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं रिमूविंग मोनोपोली मोनोपोली रिमूव होगी बहुत सारी कंट्रीज में होता है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही दो कंपनी होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाती हैं सेल करती है तो ऐसे में अगर ग्लोबलाइजेशन नेशन जो है डिफरेंट नेशन जो है ग्लोबालाइशन को प्रमोट करेंगी तो मोनोपोली हटेगी टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइन कितने टाइप का होता है तो तीन टाइप के होते हैं पहला होता है पोलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स पार्टी जो पोलिटिकल पार्टी हैं गवर्नमेंट हैं वो आपस में यूनाइटेड होती हैं इकट्ठे होते हैं मिलकर काम करती हैं जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया यूनाइटेड नेशन हो गया डब्ल्यू एच ओ हो गया ये क्या है पोलिटिकल ग्लोबलाइजेशन फिर है सोशल ग्लोबलाइेशन जहाँ पे सोसाइटीज़ अलग अलग कंट्री की वो जो है अपने आप को प्रमोट करती हैं बाई विच पीपल्स लाइफ स्टाइल इज स्प्रेड ओवर ग्लोबल नेटवर्क जहाँ पर अलग अलग पीपल्स की लाइफ जो है वो स्प्रेड होती है फैलती है पूरे ग्लोब में पूरे अर्थ में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल तीसरा है ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिकल ग्रोथ जहाँ पे प्रोडक्शन ट्रेड लेबर कैपिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सब क्या है मूव करता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में तो इस टाइप के ग्लोबलाइजेशन को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कितने स्टेजेस हैं कैसे कैसे ग्लोबलाइजेशन पे हम पहुंचते हैं स्टेज पे तो सबसे पहले होता है कि डोमेस्टिक स्टेज डोमेस्टिक स्टेज में क्या है कि मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लिमिटेड टू होम कंट्री सी बात है डोमेस्टिक में आप घर में अपना काम कर रहे हैं तो जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्टिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो होम कंट्री तक ही सीमित रहती हैं फिर दूसरा स्टेज आता है इंटरनेशनल स्टेज यानी कि जब आप अपना मार्केटिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होम कंट्री की ना होने में किसी दूसरे कंट्री में भी परफॉर्म करने लगते हैं मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एक्सपेंड फ्रॉम होम कंट्री टू अनदर कंट्री तो इस टाइप इस स्टेज को क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्टेज यानी कि अब एक देश से दूसरे देश में इंटर कर गए जब आप इंटरनेशनल स्टेज पार कर जाते हैं तो उसी इंटरनेशनल स्टेज में ही एक्सपोर्ट भी क्या होता है इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियस बात है पहले आप होम कंट्री में करते थे अब जो है बाहर कंट्री में सेल कर रहे हैं फिर इंटरनेशनल स्टेज के बाद आता है मल्टी नेशनल स्टेज तो मल्टी नेशनल स्टेज यानी कि आप एक से ज़्यादा कंट्री में दो तीन चार कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ लोकेटेड इन मेनी कंट्रीज जब आपका मार्केटिंग और प्रोडक्शन जो है कई सारी कंट्रीज में लोकेट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टी नेशनल स्टेज और फिर उसके बाद आता है ग्लोबल स्टेज ग्लोबल स्टेज मीन ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑनरशिप कंट्रोल एंड टॉप मैन टॉप मैनेजमेंट कैन बी डिस्पर्स टू डिफरेंट कंट्री यानी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना ऑनरशिप कंट्रोल और टॉप मैनेजमेंट को डिस्पर्स करते फैला देते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टेज मेकिंग सेल एंड एक्वायरिंग रिसोर्सेज इन कंट्री ऑफरिंग बेस्ट डील यानी कि जो भी कंट्री आपको बेस्ट डील देता है आप वहां पे जाके सेल करते हैं एक्वायर करते हैं रिसोर्सेज को क्या है फीचर्स ग्लोबलाइजेशन का तो ऑब्वियसली बात है जैसे आपने देखा था इंपॉर्टेंस क्या तो यही चीज़ फीचर्स ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है लिबलाइजेशन यानी कि छूट दी जाती है अलग अलग कंपनीज को कि वो आए हमारे यहाँ पे बिजनेस परफॉर्म करें लिबलाइज कर दिया जाता है अगर छूट नहीं देंगे तो कोई भी जल्दी नहीं आएगा तो लिबलाइज होता है ग्लोबलाइजेशन में फ्री ट्रेड हम फ्री ट्रेड करने का देते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक हम ग्लोबलाइज करते हैं प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैंजड कोलाब्रेशन कोलाबोरेशन अलग अलग पार्टीज के साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर कोई भी कंपनीज उनके साथ कोलाबरेट करते हैं तो इस ये फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के लिबलाइजेशन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में भी हम ढील देते हैं छूट देते हैं कंपनीज को ताकि वो आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन मार्केट मार्केट एंट्री स्टेट यानी कि फॉरेन मार्केट में कैसे आप इंटर कर सकते हैं बात हो रही थी ग्लोबलाइजेशन की यानी ग्लोबलाइज क्या होता है जब आप एक कंट्री कंट्री से दूसरे में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कैसे आप एंटर कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में वो स्ट्रेटजीज क्या है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट और बीस बात है सेलिंग डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स इन टू अन कंट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो किसी भी दूसरे कंट्री में डायरेक्टली चाहे इंडायरेक्टली चाहे खुद बेच रहे हो चाहे किसी दूसरे के थ्रू बेच रहे हो किसी एजेंट्स के थ्रू तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कहते हैं यानी कि प्रोडक्शन इसमें क्या होता है प्रोडक्शन आप अपने घर में ही करते हो लेकिन जो प्रोडक्ट बनाते हो उसको आप बाहर कंट्रीज में भी सेल करते हो तो ये एक तरीका हो गया जैसे आप फॉरन मार्केट में इंटर कर सकते हैं दूसरा है पिगी बैकिंग एक्सपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर एक्सपीरियंस्ड कंपनी ये क्या है एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है जिसमें आप क्या करते हैं कि, कि किसी दूसरे कंपनी का जिसके पास एक्सपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में फिर है मर्जर एंड एक्विजिशन नाम से क्लियर है मर्जर एंड एक्विजिशन है तो आप किसी दूसरी कंपनी जो दूसरे कंट्री में कोई कंपनी है उसके साथ मर्ज कर जाएँ या फिर उसको एक्वायर कर लें यानी परचेज कर लें डूइंग मर्जर और एक्वायरिंग एंड ओवरसीज कंपनी यानी कि बाहर की कोई भी कंपनी को आप उसके साथ मर्ज हो जाएं या जा फिर उसको एक्वायर कर लें फिर चौथा स्ट्रेटजी है मार्केट में एंटर करने का फॉरन मार्केट में एंटर करने का फ्रेंचाइजी अलाइंग टू यूज ट्रेडमार्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लायर गुड्स जैसे कि मैगडे में होता है फूड आउटलेट्स में होता है तो आप अपनी फ्रेंचाइजी बाहर इंडिया इंडिया से बाहर या फिर आप किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो, जा तो वहां पर अपनी फ्रेंचाइजी यानी अपनी ट्रेडमार्क और डिस्ट्रीब्यूशन को अलाउ कर दे कि दूसरी कंपनी यूज कर सकती है फिर पांचवा टेक्निक है लाइसेंसिंग आप लाइसेंस प्रोवाइड कर दीजिए दूसरी कंपनी को वो आपका जो है उसको राइट ट्रांसफर कर दीजिए कि आपके प्रोडक्ट को सर्विस को दूसरे कंट्री में यूज़ कर सकता है जैसे कि कोका कोला लाइसेंस देती है फिर है जॉइंट वेंचर इसके थ्रू भी आप जो है मार्केट में एंटर कर सकते हैं जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि फॉर्म ऑफ ऑनरशिप जहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज़ मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाते हैं और उसको बिजनेस परफॉर्म करते हैं तो यानी कि आप दो कंपनी मिलकर कोई तीसरी कंपनी बनाकर उसको दूसरे देश में कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सोनी और एरिक्सन सोनी अलग कंपनी है एरिक्सन अलग कंपनी है इन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन मोबाइल

हैंडेड ओवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क दैट इज टर्न की प्रोजेक्ट फिर है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है एक तरीके का एफ डी आई यानी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है सपोज करिए कि इंडिया की कोई कंपनी वो बाहर किसी दूसरे देश में जाती है और वहाँ पे आ, एक नया पूरा पूरा सब्सिडरी ब्रांच अपना ओपन करती है शुरू से लेके यानी कि एक बेस से बना के पेरेंट कंपनी क्रिएट ए न्यूली होली ऑन्ड सब्सिडरी इन डिफरेंट कंपनी यानी कि पूरी होली होली जो इंडियन कंपनी है उसी का वो ऑन सब्सिडी ब्रांच होता है वो किसी के साथ न मर्ज करती है ना एक्सपोर्ट करती है ना फ्रेंचाइजी देती है ना लाइसेंस देती है अपनी खुद की ब्रांच सब्सिडी ब्रांच वहाँ पे ओपन करती है तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू फॉरेन मार्केट में एंट्री कर सकता है कोई भी कंपनी अब नेक्स्ट टॉपिक है एल ल्पीज है जी एल मॉडल जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म नाइन्टीज नाइन्टीज़ में फॉलो किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर पी वी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा तो एल का मतलब क्या होता है लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इट वॉज़ फॉलो टू डेवलप इंडियाज इकोनॉमी तो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एल पी जी मॉडल नाइनटीन नाइनटी इकोनॉमिक रिफॉर्म में फॉलो किया गया था इट वॉज एम्ड एट मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड ग्लोबली कंपिटेटिव तो इंडिया की इकोनॉमी को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने के लिए और ग्लोबली कम्पिटेटिव इकोमी बनाने के लिए ये एल पी जी मॉडल फॉलो किया गया था तो लिबलाइजेशन में क्या होता है लिबलाइजेशन मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इंपोज बाय दी गवर्नमेंट यानी कि जब किसी देश की गवर्नमेंट जो भी आ, फ्री कर देती है किसी भी टाइप का डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल से किसी कंपनी को तो उसको हम क्या कहते हैं लिबलाइज कर देना है जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हो गया प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स हो गया इम्पोर्ट लाइसेंस हो गया फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल हो गया स्ट्रक्सा तो जब आप इसको लिबलाइज कर हैं इसमें छूट देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं लिबलाइज करते हैं है। यानी कि रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस जो अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसको आप रिड्यूस करेंगे तो कंपनी ऐसी बात है कि आपकी कंट्री मेंब्लिक सेक्टर पहले क्या होता था कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व होता था कि नहीं सिर्फ इस, इस फील्ड में यह काम सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है तो नहीं अब उसको जो है छोड़ दिया जा रहा है अब जो है प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इनके बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप करने का मौका दिया जाता है जॉइंट वेंचर के थ्रू लीजिंग के थ्रू फ्रेंचाइजी के थ्रू तो प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है यानी कि हर जगह गवर्नमेंट ही रहेगी फिर है ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको सभी को पता है कि मीन्स अलाउंग इंट्रेक्शन इंटीग्रेशन अमॉन्ग द पीपल कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू ऑफ डिफरेंट नेशन बाई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि लिबलाइजेशन दी आपने आज़ादी दी उसके बाद आपने प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दिया यह कि आप सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आप ही आके हमारे आ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारे लोग भी बाहर जा सकते हैं तो ये एल पी जी मॉडल है लिबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो कि फॉलो किया गया जिससे कि इंडियन की इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज कर सके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना सके अब हम बात कर ले नेक्स्ट टॉपिक एम क्या होता है तो मल्टी कंपनी या फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन भी इसको कहते हैं एम एन सी मल्टी नेशनल कंपनी या फिर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन तो एम एन सी नाम से ही क्लियर है कि ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही है वो क्या कहलाएगी एम एन सी आर द कंपनीज दैट हैव देयर हेड ऑफिस इन वन कंट्री एंड रीजनल ब्रांचेज ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि इनकी कहीं किसी एक देश की कंपनी होती है तो उनका हेड ऑफिस उसी कंट्री में होता है फिर बाकी अलग अलग कंट्रीज में ये अपने ब्रांच ओपन करके वहां पे भी बिजनेस परफॉर्म करती हैं तो इस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं एम हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में होगा और ब्रांचेज उनके हर कंट्री में होंगे देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़ यानी कि उनका मेन मोटिव क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज़ में वो प्रोवाइड कर सके सिंपली ए कंपनी विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ इन मोर देन वन कंट्री तो तम एनसी किस टाइप की कंपनी होगी ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी से एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो कि आप इस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि अमेरिका की कंपनी हाँ है लेकिन हर जगह ब्रांच अवेलेबल है नेस्ले स्विट्जरलैंड की है जो कि हर हाँ जगह ब्रांच अवेलेबल है इसी तरीके से आप देख सकते हैं विप्रो है टाटा है आईवीएम है इन्फोसिस है नोकिया है डिलोइट है डेल है एच है मोटोरोला है, है तो सब क्या है ये सब एम हैं यानी कि इनका हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में है और लेकिन ब्रांचेज और, और जो रीजनल ब्रांचेज वो हर कंट्री में आपको मैक्सिमम कंट्री में मिल जाएंगे तो इस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं मल्टी कंपनी ओके okay, फिर मल्टीनेशनल कंपनी में ही हम बात करेंगे कि इसके मेरिट्स क्या है एम के यानी कि एक अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट जाकर सेल करना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना क्या मेरिट्स है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑब्वियसली बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं जनरेट होता है अलग अलग कंपनी कंट्री में जब आप ओपन करते हैं फॉरेन कैपिटल का फ्लो होता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है कि जिस तरीके से आप रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं एफिसियंटली इफेक्टिवली वो दूसरे तरीके से कोई दूसरा नहीं यूज़ कर सकता तो प्रॉपर यूज़ ऑफ़ रिसोर्स और टेक्निकल डेवलपमेंट होता है लोकल मोनोपोली जो है वो ख़त्म होती है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब ऐसी बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा जब टेक्नोलॉजी मूव करेगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मूव करेगा डीमेरिट्स भी हैं कुछ जैसे कि डेंजर फॉर डोमेस्टिक रिसोर्स डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको डेंजर हो सकता है कि आप गलत तरीके से मिसयूज भी कर सकते हैं बाहर की कंपनीज आकर रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट का भी रिपेट्रिएशन होता है डेंजर टू इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पे यानी कि आज़ादी पे भी खतरा है कि आप बाहर की कंपनी आके हमारे कंट्री में बिजनेस करेंगे एक्सप्लॉटेशन ऑफ पीपल बा भी पीपल का होता है लोकल रिसोर्सेज का होता है और कंपटीशन टू एम एस एम ए जो हमारे मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उनको कंपटीशन भी मिलता है बाहर की कंपनीज जब इंडिया में या फिर किसी दूसरी कंट्री की कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो वहाँ के एम को भी दिक्कत होती है कंपटीशन फेस करना पड़ता है अब, अब हम बात कर ले एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाम से क्लियर है कि जब कोई बाहर की कंपनी डायरेक्ट किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर सके उसी को कहते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाई कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन वन कंट्री इंटू ए कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री यानी कि जब कोई कंपनी या फिर कोई एंटिटी दूसरे कंट्री में की है और वो जब किसी दूसरे कंट्री में किसी इंडिटी में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ डी आई पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब द फॉरन कैप इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर तो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जब कोई दूसरी कंपनी बाहर की हमारे किसी भी कंट्री की हमारी कंट्री की कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो इंडियन जो एफ डी आई पॉलिसी है उसमें फॉरन कैप लगाया गया यानी कि किस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है उस पर रेगुलेट करती है तो ब्रॉडली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कैटेगराइज किए गए जैसे रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि इसमें एफडीआई जो है फोर्टी नाइन परसेंट तक यानी कि कुछ लिमिट कर दिया था कि हाँ आप सिर्फ इतने परसेंट तक ही आ, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहीं पे कुछ अनरे है अनरे है यानी कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आप हंड्रेड परसेंट तक एफ आप कर सकते हैं यानी हंड्रेड परसेंट तक अपन आप पूरा पैसा लगा सकते हैं वहीं पर कुछ प्रोविटेड है यानी कि जिसमें आप फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है वो सिर्फ उस कंट्री के लिए है तो रेस्ट्रिक्टेड जैसे कि फोर्टी है इंश्योरेंस बैंकिंग आर एंड में तो यहाँ पर क्या है कि बाहर की कंपनी फोर्टी तक इन्वेस्ट कर सकती है इन सब कंपनी में इसी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड में है जैसे कि माइनिंग हो गया आईटी सर्विसेज हो गए एयरलाइंस हो गए ई कॉमर्स हो गए इसमें हंड्रेड परसेंट एफडीआई है यानी कि बाहर की कंपनी हंड्रेड परसेंट तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है इन में वहीं पर कुछ है जैसे कि एटोमिक एनर्जी है टोबैको रिलेटेड इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर है हाउसिंग है इन सब एफ डी अलाउड नहीं है यानी कि बाहर की कंपनी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती है ठीक तो एफडीआई कैन बी डन थ्रू टू वेज दो तरीके से एफ डी आई कह सकते हैं एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरे गवर्नमेंट रूट ऑटोमेटिक रूट यानी कि जहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं रिक्वायरमेंट नहीं रिक्वायर होता है। जैसे कि अनरिस्ट्रिक्टेड में है हंड्रेड परसेंट एफ डी आई आपको इसमें गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्मेंट ने पहले ही कर रखा है कि आपको पूरा हंड्रेड परसेंट आप एफ डी आई किस कर सकते हैं लेकिन वहीं पर कुछ गवर्नमेंट रूट होता है जहां पर अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट का उस किसी भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे कि इंश्योरेंस बैंकिंग वारंटी यहाँ पे क्या फोर्टी नाइन परसेंट ही अलाउड है तो आप उसको इन्वेस्ट करना है उससे ज्यादा इन्वेस्ट करें तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा तो एफडीआई मीन फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर की कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है आपके कंट्री में तो कुछ इंडस्ट्रीज में रेस्ट्रिक्टेड हैं कुछ इंडस्ट्रीज अनरेस्ट्रिक्टेड हैं कुछ इंडस्ट्रीज प्रोविटेड हैं तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है एलपीजी मॉडल क्या है ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब होता है एमएनसी का क्या है एफडीआई और कौन कौन से टेक्निक हैं जिसके थ्रू फॉरेन मार्केट में आप इंटर कर सकते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो थैंक यू